माय यूट्यूब चैनल एक बार फिर से मैं पहुंच चुका हूं श्री मोटर में, जहां गाड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन और बेहतरीन रेंज होता है। तो आज यहां पे बहुत सारा न्यू कलेक्शन आई हुई है दोस्तों, तो बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। और जो दोस्त नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो चलिए, यहाँ के जो प्राउड ओनर हुए सुनील सर, उनका वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। हाँ, थोड़ा बड़ा कनेक्शन आया हुआ है सर। अगली वीडियो का रिस्पॉन्स कैसा रहा था? ये बढ़िया रहा सर, बढ़िया रहा ना। जी जी, ये लोकेशन मेरा है, धोनी जी का फार्म हाउस है। ये फोकस है, ये फोकस, हाँ फोकस के ठीक अपोजिट में है। अपोजिट में आपको श्री मोटर मिल जाएगा। और यहाँ पे आज बहुत सारा न्यू कलेक्शन लेके आए हैं भैया। तो स्टार्टिंग प्राइस सबसे कम के कौन सी गाड़ी है? सबसे कम में तो वही मारुति 800 है मेरे पास, वो दिखाएंगे लास्ट में, वो लास्ट में दिखाएंगे। सेंट्रो भी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले व्यूअर को हाई कीजिएगा एक बार। हाई सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका वंटो है, 2013 का है, 2013 की सेकेंड ऑनर में है। सेकेंड, हाँ, गाड़ी पूरा फुल कंडीशन में है। रांची नंबर हो गया गाड़ी, रांची नंबर मिल जाएगी। ओरिजिनल पेंट है, ओरिजिनल पेंट है। पेपर सब मिल जाएगा भैया? पेपर सब बढ़िया। कंडीशन आप लोग देख लो, एलआई व्हील वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है इसमें। टायर की कंडीशन इस प्रकार से है। क्या क्या मिल जाएगी भैया इसमें? पूरा कंपनी फिटिंग है सारा, सिस्टम वगैरह मिल जाएगा, पावर स्टेयरिंग मिल जाएगा इसमें, देख लो इसमें आगे का पावर विंडो है, पावर विंडो वगैरह मिल जाएगा इसमें, देख लो चार पावर विंडो है। और रनिंग की बात करें भैया तो क्या चल रही है? वो देखिए सर, ये देख लो मीटर टेम्परिंग तो नहीं है? नहीं, मीटर ओरिजिनल है ना भैया। इसका आस्किंग प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस 370 रखे हुए हम लोग, 370,000 है दोस्तों, जो कि नेगोशिएबल है, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल होगा ना भैया, देख लेंगे सर। ऐसे तो मेरे पास जो भी रेट है एकदम जेन्युइन ही रेट रखते हैं। गाड़ी को चलते हैं हम लोग, आइए। ये कौन सी हो जाएगी? ये आपका ऑल्टो हो गया, ऑल्टो 800 हो गया, 2018 की गाड़ी है। ओनरशिप की बात करें तो ओनर फर्स्ट ओनर है। और किलोमीटर क्या चली? किलोमीटर आपका वही 65,000 आई है, देख लो टायर की कंडीशन इस प्रकार से है। 65,000 ओरिजिनल चली हुई है ना जी। इस प्रकार से इंटीरियर मिल जाएगी, लाजवाब एकदम साफ सुथरी इंटीरियर है, देख लो। पावर विंडो है भैया इसमें? पावर विंडो आगे का है, फ्रंट में दो मिल जाएगी ना? फ्रंट में दो मिल जाएगी पावर विंडो आपको। सीट की कंडीशन देख लो इस प्रकार से है, एसी यूसी सब फील है, सब सब। इस ऑल्टो 800 के हम लोग आस्किंग प्राइस पे क्या प्राइस रखे हुए? इसका प्राइस सर 285 रखे हुए हैं, 285,000 में ये ऑल्टो 800 आप लोग ले जा सकते हो दोस्तों। तो आइए विजिट कीजिए आप लोग श्री मोटर में जल्द से जल्द। चलिए भैया फिर नेक्स्ट गाड़ी को चलते हैं हम लोग। 20 हो गया, i20 जी। मॉडल की बात करें तो भैया मॉडल दो, अच्छा मॉडल 2010 का है सर, लास्ट दिसंबर की, 2010 लास्ट दिसंबर जी। ये भी फर्स्ट ऑनर गाड़ी, ये भी फर्स्ट ऑनर जी। नंबर यहाँ जमशेदपुर नंबर हो गया। ओनर की बात करें ओनर फर्स्ट ऑनर जी। और रनिंग क्या है गाड़ी? रनिंग 76,700 किलोमीटर चली है दोस्तों, जो कि ओरिजिनल चली हुई है। बाकी पावर विंडो है भैया इसमें? हाँ, पावर विंडो, चारों पावर विंडो, मिरर कंट्रोल मिल जाएगी, सब चीज़ है। देख लो सीट की कंडीशन लाजवाब, सीट कवर लगी हुई है, एसी उसी सब चिल्ड है इसमें। एयर बैग भी है भैया इसमें? एयर बैग है सर, फ्रंट में दो मिल जाएगी, दो मिल जाएगी फ्रंट में, दो एयर बैग भी मिल जाएगी दोस्तों। बाकी म्यूजिक सिस्टम एसी वगैरह सब चिल्ड है एकदम। ये देख लो सनरूफ है ना? हाँ, वो खुलने वाला है सनरूफ, सनरूफ के साथ मिल रही है। कोई खर्चा किसी प्रकार का भैया गाड़ी में? खर्चा तो कुछ नहीं है सर, लेकिन पुराना गाड़ी कहीं से भी आप सर्विसिंग ओके भी लीजिएगा तो 2-4 पैसा खर्चा मिलेगा ही आपको। एक सर्विसिंग कराइए और चलाइए। हाँ, फ्रंट वोट ओरिजिनल, एक्सीडेंटल नहीं, एक्सीडेंटल गाड़ी मेरे पास रखते ही नहीं है सर। भैया आस्किंग प्राइस बताइए। इसका आपका 215 पड़ेगा सर, 215 जी।
थोड़ा बहुत मान सम्मान होगा ना, देख लेंगे सर। चलिए फिर नेक्स्ट गाड़ी को चलते हैं जरूर। और अगली कार कौन सी है भैया? ये सर वैगन आर है। वैगन आर फैमिली वाली कार। फैमिली वाली कार। और मॉडल की बात करें तो मॉडल सर 2011 की है। 2011 की। ओनरशिप की बात करें ओनर सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर है। और रनिंग क्या है गाड़ी? रनिंग 90,000 है सर। 90,000 चली हुई, ओरिजिनल चली हुई। ओरिजिनल चली हुई। बाकी देख लो टायर वायर की कंडीशन से टायर मिल जाएगी, कंपनी फिटिंग है सारा। बाकी कंडीशन देख लो, सीट की कंडीशन लाजवाब है। एसी उसी सब ओके है ना भैया? देख लो इस प्रकार से कंडीशन है, साफ सुथरी गाड़ी है, गाड़ी एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश है। पेपर ऊपर सब अप टू डेट है ना भैया? पेपर तो सब अप टू डेट मिलेगा सर। इंश्योरेंस वगैरह? इंश्योरेंस तो देखना पड़ेगा। मान लीजिए किसी गाड़ी का नहीं रहता है तो पार्टी को करा के देते हैं आप? तो भी पार्टी कराते हैं? पार्टी कराते हैं सर, काहे कि यूज तो पार्टी ही करेंगे। हाँ। और जो बचा हुआ रहता है वो तो हम लोग देते ही हैं, दो चार पाँच महीना किसी का साल भर भी रहता है बचा हुआ। अब आते हैं इस वैगन आर का आस्किंग प्राइस। इसका सर 1,90,000 रखे हुए हैं। 1,90,000 जी। थोड़ा बहुत वो तो सर आपका चैनल है और आपका चैनल में तो आने का कस्टमर का जो है उनका तो हम खुशी होके जाते हैं। आ गया वरना सर जी, काफ़ी डिमांड में, ये भी काफ़ी डिमांड में है, सिल्वर में है, सिल्क से ओरिजिनल पेंट में है। माइनर कहीं देखिए सर, कहीं कोई गाड़ी में माइनर हल्का टचअप मिलेगा बस, बाकी और सब बाकी कोई खर्चा नहीं, एक्सीडेंटल रखते ही नहीं है, रिकॉर्ड है सर। पेंट ओरिजिनल है भैया? पेंट ओरिजिनल है सर। और मॉडल की बात करें तो मॉडल 2013 की है सर। 13 की। ओनर फर्स्ट ओनर। और किलोमीटर लगभग क्या चलिए? किलोमीटर देख लेते हैं, एलआई व्हील वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। और रनिंग क्या है भैया? रनिंग सर 1,16,000 चला हुई है। 1,16,000 चली है। ये डीजल में है? डीजल में सर। और कोई खर्चा भी है इसमें? खर्चा तो कुछ नहीं है सर, बस सर्विसिंग एक कराना है। एक सर्विसिंग तो कहीं से भी आप गाड़ी लीजिए सर, एक सर्विसिंग आपको कराना ही पड़ेगा, बाकी मेंटेन है गाड़ी सर। बताइए इस वरना का आस्किंग प्राइस क्या रखें? इसका सर 385 रखा हुआ है। 385 जी। थोड़ा बहुत इसमें भी हो जाएगा ना? जरूर हो जाएगा सर। इस गाड़ी को चलते हैं, ये स्विफ्ट डिजायर हो गया सर जी, डिमांड में ही है। मॉडल 15 की है सर। 15 की है। ओनर फर्स्ट ही है सर। और रनिंग क्या है? रनिंग इसका 65,000 कुछ चला हुआ है। 65,000 समथिंग चलिए। देख लो इस प्रकार से कंडीशन है, रांची रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, बाकी पेपर सब अपडेट है भैया जी। देख लो फोग लैंप वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है इसमें जी। कोई टायर की कंडीशन आप लोग देख लो भैया, गाड़ी 65,000 कुछ है। 65,000 समथिंग। और चारों पावर विंडो है? चारों पावर विंडो। एसी यूसी सब ओके है। डीजल वर्जन में माइलेज तो सर हाईवे में आपका 20 प्लस ही देगा। 20 प्लस का है ना। बताइए स्विफ्ट डिजायर का आस्किंग प्राइस। इसका सर 385 रखा हुआ है। 385 जी। थोड़ी कम हो जाएगी? हो जाएगी सर। सेंट्रो जी 2009 की है सर। ओनर देखना पड़ेगा, फर्स्ट ही ओनर की बात। ओनर फर्स्ट है सर जी। और रनिंग क्या बोले? रनिंग इसका चला हुआ, आगे देख लेते हैं। 85,000 समथिंग चला जी जी। बाकी दिल कंडीशन इस प्रकार से मिल जाएगी, गाड़ी फ्रेश है, फ्रेश है, हल्का फुल्का टचअप है, बाकी माइनर तो सर मिलेगा ही पुराना गाड़ी में। और माइलेज की बात करें तो ये भी माइलेज अच्छा, माइलेज सर अच्छा ही है, सेंट्रो का वही 18 माइलेज देगा ही सर जी जी। अब सेंट्रो का आस्किंग प्राइस बताइए भैया। इसका सर 1,25,000 रखा हुआ है। 1,25,000 जी। हो जरूर जरूर हो जाएगी। चलिए भैया अगली गाड़ी कौन सी है? सबसे कम बजट में यही है, सबसे कम प्राइस की गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। देख लो मारुति काफी डिमांड गाड़ी, बताइए भैया इसका डिटेल दीजिए। ये सर 2009 की गाड़ी है। 2009 की है जी। रांची नंबर गाड़ी है सर जी। और यहाँ रनिंग समथिंग चला हुआ है इसका? रनिंग सर आइए देख जी। कोई खर्चा नहीं है, गाड़ी एकदम फ्रेश है। एसी लगा हुआ है सर इसमें? एसी के साथ मिलेगा। एसी के साथ में। अब आते हैं इसका आस्किंग प्राइस बता के मेरे व्यूअर को एकदम खुश कर दीजिए। ये सर 85 रेट रखा हुआ है। मात्र 85,000। मात्र 85,000 में भी कब बैठने पे कम बेस जरूर 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 हो ही जाएगी। तो आज के लिए फिलहाल तो इतनी कलेक्शन थी भैया जी जी। फिर आएगी तो नेक्स्ट अपडेट करेंगे, नेक्स्ट में एकदम बढ़िया ही गाड़ी आएगी फिर। और फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। फाइनेंस मेरे पास सर फाइनेंस हो जाएगा। हो जाएगा ना जी जी। ऑल ओवर झारखंड में ना? ऑल ओवर झारखंड में हो जाएगा मेरा फाइनेंस। कितने
कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? 30% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा सर। 70% लोन जी लोन हो जाएगा। और आरसी वगैरह का क्या है, मतलब अलग से देना होता है वो सर? नाम ट्रांसफर का अलग से लगेगा, 4-5 हज़ार जो लगता है वो अलग से देना, वो जो भी 4 हज़ार लगे, 3500 लगे, 4500 लगे, जो भी लगेगा सर वो अलग से ही लगेगा। ट्रांसफर कितने दिनों में करा के दे देते हैं? 2 महीने का समय लेते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो कस्टमर को हम लोग दे देते हैं। थैंक यू, जल्दी जरूर जरूर जरूर।